नमस्कार, बस्तर सियार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पेन। विस्टाडोम कोच को लेकर के बस्तर में बहुत सारी क्या कहें लड़ाइयां लड़ी गई और अंततः बस्तर में ये कोच आई और पहली सवारी, जैसे कि हमें जानकारी है, केवल 8 लोग मिले। अब देखना ये है कि 8 लोगों के बाद में ये सवारी, ये जो तादाद है लोगों की, इस कोच में बढ़ती है कि नहीं। विस्टाडोम कोच के ऊपर और रेलवे के ऊपर बहुत सारी बातें हमारे साथ जो पत्रकार हैं वो गिरीश शर्मा काफ़ी लिख चुके हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है विस्टाडोम का भविष्य। यहाँ पर एक भविष्यवक्ता के तौर पर गिरीश बताएंगे क्या हो सकता है विस्टाडोम का कोच। यहाँ बस्तर में विस्टाडोम की संभावनाएं अर्कू की तरह सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इस पर सवाल इसलिए है क्योंकि यह कोच का संचालन रेलवे विभाग विशाखापट्टनम से किरंदुल के बीच कर रहा है। तो ऐसा क्यों लगता है? पहली बात तो यह है कि किरंदुल तक तो मेरे को चलाने का समझ में नहीं आया। अगर रेलवे विभाग को चलाना था तो ये कोच को जगदलपुर तक चलाना था, क्योंकि पर्यटक, इस कोच में सफर करने वाले पर्यटक को एक अच्छी पर्यटन सुविधा भी चाहिए जो सिर्फ जगदलपुर में ही मिल सकती है। अच्छा, दंतेवाड़ा और किरंदुल में ये सुविधा नहीं के बराबर है, तो इसलिए इस कोच का पहली बात तो जगदलपुर से आगे का सफर ही रेलवे के लिए घाटे का सौदा है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात कि रेलवे को अरकू में सफलता इसलिए है कि रेलवे में सवेरे ट्रेन अरकू आती है और शाम के वापस चली जाती है, तो पर्यटकों को वहां पे 3-4 घंटे 5 घंटे घूमने का मौका मिल जाता है। वो 5 घंटे में अच्छा सफर करके वापस चले जाते हैं। नहीं, और विशाखापट्टनम अरकू पर्यटन के हिसाब से काफी विकसित भी है और बस्तर में पर्यटन को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पर्यटन का कोई एक खास कोई स्पॉट नजर नहीं आता जिससे विस्टाडोम का भविष्य अंधकार में भी लग रहा। हाँ, ये भी बात सही है कि अरकू एक स्थापित पर्यटन स्थल बन गया है। बस्तर अभी पर्यटन स्थल बन पाया है नहीं बन पाया, ये विस्टाडोम कोच पे यात्रियों की संख्या बता देगी। अगर इसमें यात्री मिलने लगे तो निश्चित ही सरकार ने बस्तर पर्यटन के लिए काम किया है, जो दिखाई देगा कि वो सिर्फ कागजी नहीं है, धरातल में भी काम हुआ है। और अगर ये विस्टाडोम कोच में यात्रियों की संख्या नहीं मिल पाई तो यह सवाल जरूर उठेगा कि बस्तर एक पर्यटन के मानचित्र पे अरकू की तरह स्थापित नहीं हो सका है। सरकारें दावे तो बहुत करती है कि बस्तर में हमने पर्यटन को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है, लेकिन इसका कोई मापदंड अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। हमारे यहाँ नियाग्रा फॉल भी है। हाँ, लेकिन ये विस्टाडोम कोच एक मापदंड तय कर सकती है कि बस्तर में पर्यटक कितने आते हैं, क्योंकि इसमें जो भी सफर करेगा वो पर्यटक ही होगा, क्योंकि मौज मस्ती के लिए कोई एक दो बार सफर कर सकता है, लेकिन आने वाले अधिकांश पर्यटक ही रहेंगे जो सफर करके जगदलपुर से जाएंगे और आएंगे, क्योंकि वहाँ के जो हरियाली देखने के लिए जरूरी है कि दिन का सफर हो वो भी सही है, और साथ में किराया भी मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा होगा इसका। हाँ, किराया ज्यादा है, इसलिए आम आदमी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखेगा इसमें। हाँ, इसमें आम आदमी इसीलिए इंटरेस्ट नहीं दिखेगा, जगदलपुर से विशाखापट्टनम का किराया लगभग 1300 के आसपास है, और पर्यटक के लिए ये किराया कोई खास महंगा नहीं है क्योंकि उसमें सुविधाएं भी उसको मिलती है। बिल्कुल। हाँ, आम आदमी के लिए किराया जरूर महंगा है, देखते क्योंकि पर्यटक सिर्फ पैसा खर्च करने के लिए आता है। बस आप उस पर्यटन सुविधा उपलब्ध करा के पर्यटक से कितना पैसा खर्चा करा सकते हैं, ये उस क्षेत्र की पर्यटन की काबिलियत है। तो एक आखिरी सवाल ये बताएंगे, तो नेता क्यों इस पर तुले हुए थे भाई, यहाँ पर ये आए वो जाए वगैरह? बस्तर में पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो एक अच्छी सुविधा तो है पर्यटक के लिए, लेकिन अब इसमें कितने सफल होती है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दावे बड़े करते हैं कि बस्तर में पर्यटक बहुत आते हैं, बड़ी संख्या में कलकत्ता बाहर से आते हैं, लेकिन ये कोच जरूर बता देगी कि बस्तर में पर्यटक के तौर पे कितने लोग आते हैं, बाकी अन्य तो अन्य स्थिति में आते ही होंगे। लेकिन चलिए, पर्यटन उद्योग एक बार फिर से अपने सवालिया निशान पर है। अब देखना यह है कि बस्तर जिले में पर्यटन का भविष्य क्या होगा, ये विस्टाडोम तो कुछ तय करेगा, साथ में देखेंगे क्या होता है आगे विस्टाडोम का भविष्य।